देख लेना, जहाँ हम होंगे वहीं सरकार होगी। स्थिति है उत्तर प्रदेश में, ऐसी स्थिति है उत्तर प्रदेश में, ऐसा मेरा संगठन है, ऐसे मेरे पास प्रत्याशी हैं। बताओ यहाँ से तो हमारे रघुराज सिंह इटावा से प्रत्याशी हैं, बसना से हैं, सुखदेवी का लड़का कर ही दिया है, और जसवंत नगर से तो बताना फिर। तो इस तरीके से मैंने तो प्रत्याशी भी कर दिए, तब भी हम चाहते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो हालत है उत्तर प्रदेश की, तो उसमें परिवर्तन होना चाहिए। हम तो तैयार हैं, लेकिन हम बताना चाहते हैं, जहां प्रगतिशील समाजवादी पार्टी होगी वहीं सरकार होगी। इसलिए बस तैयार हो जाओ और यहाँ जाओ। बाधा तो बहुत कर गए थे, अब की बार हम तो अगर सरकार में आ गए तो फिर बिजली फिर माफ भी करेंगे। अभी तो हमसे कहा 250 यूनिट फ्री, बताओ 250 यूनिट फ्री हो जाएगी तो फिर गरीब पर कहीं पर भी बिल आएगा ही नहीं, किसी पर बिल आएगा ही नहीं। और स्थिति अच्छी हो गई तो 300 यूनिट हो जाएगी, तो किसी पर भी बिजली का बिल फिर नहीं आएगा। आज गरीब से गरीब आदमी, 15,000-20,000 उसे वेतन मिल रहा है, 15,000 बिजली का बिल आ रहा, 20,000। बताओ फिर लड़कों को कैसे पढ़ाए थे, फिर बेटे और बेटियों की शादी कैसे होगी, अगर बीमार हो गया तो फिर इलाज कैसे होगा। बताओ दवाइयाँ कितनी महंगी हैं, बताइए दवाई की कितनी महंगी दवाई हो गई, बहुत दवाइयाँ महंगी हो गई। तो ये परेशानियाँ हैं, तो फिर तो दवाई तो फिर सस्ती होना चाहिए। पढ़ाई कितनी महंगी हो गई, अब प्राइमरी में पढ़ाई होती नहीं, कॉन्वेंट स्कूल में महंगी हो गई, तो ये दिक्कतें हैं। हमने तो कहा नौकरी ये तो दे नहीं पाए, हमने तो कहा एक एक अगर सरकार आपकी बनाओगे तो एक एक बेटे और बेटी को नौकरी देने का जिम्मेदारी, फिर ऐसा कानून बनना चाहिए, फ्री बिजली होना चाहिए, कम से कम गरीबों को 250 यूनिट फ्री बिजली, ये काम होना चाहिए। तब तो फिर जनता कितनी दुखी है, इस समय कोरोना के रहते, बताओ सब बंद, व्यापार बंद, रोजगार बंद, नौकरी मिल नहीं रही, और परेशानी है ही, भ्रष्टाचार इधर-उधर है, थानों से परेशानी, तहसीलों से परेशानी, अधिकारियों से परेशानी। तो तभी होगा जब ये सरकार, तो परिवर्तन करना पड़ेगा, तो परिवर्तन के लिए फिर तैयार हो जाओ, तैयार होना पड़ेगा। तभी तो मैंने नारा दिया था गैर भाजपा बात, मैंने तो नारा दे दिया था गैर भाजपा बात, सबको इकट्ठे हो, तभी तो विकल्प बनेगा, विकल्प तभी बनेगा। और हमें तो अपनी देख लेना, जहां हम होंगे वहीं सरकार होगी। ऐसी स्थिति है उत्तर प्रदेश में, ऐसा मेरा संगठन है, ऐसे मेरे पास प्रत्याशी हैं। बताओ यहाँ से तो हमारे रघुराज सिंह इटावा से प्रत्याशी हैं, बसना से हैं, सुखदेवी का लड़का कर ही दिया है, और जसवंत नगर से तो बताना फिर है। तो इस तरीके से मैंने तो प्रत्याशी भी कर दिए, तब भी हम चाहते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो हालत है उत्तर प्रदेश की, तो उसमें परिवर्तन होना चाहिए। हम तो तैयार हैं, लेकिन हम बताना चाहते हैं जहां प्रगतिशील समाजवादी पार्टी होगी वहीं सरकार। हमारे
चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।